चलो लिखो, जो आज के हमने टाइम करनी है वो कैसा क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या है साइन इंटू कॉस, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे मेरे पास क्या है अंडर रूट साइन टू एक्स। अब देखो ये साइन इंटू कॉस और साइन टू एक्स एक ही बात होती है। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब ये ऐसी टाइप है कि ऊपर साइन और क्लस प्लस हो रहे हैं, नीचे साइन और कॉस क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन टू एक्स का मतलब क्या है, साइन इंटू कॉस। तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, साइन और कॉस ऊपर प्लस हो रहे हैं, नीचे साइन इंटू कॉस हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें न्यूमिनेटर में साइन कॉस ऐड हो रहे हैं और नीचे प्रोडक्ट हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप पुट करोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को वाई। अब दिमाग में आ रहा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्यों ही करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस हो जाएगा। बाहर डी एक्स आ गया इक्वल टू किसके आ गया, डी वाई के। ये पूरा चला गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी वाई के इक्वल आ गया। अब ऊपर वाली समस्या हल होगी, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सारा का सारा एक्स का जितना मटेरियल सारा चेंज कर देते हैं, ये याद रखना है, सारे के सारे एक्स को कवर करना है। अब ऊपर वाला कवर हो गया, नीचे साइन एक्स इंटू साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर साइन और कॉस प्लस या माइनस की फॉर्म में दिया और प्रोडक्ट में चाहिए तो उसका स्केयर कर दो। ये जो साइन माइनस कॉस है ना, इसका क्या करोगे आप, स्केयरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा ए स्केयर बी स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाई स्केयर। ये क्या हो गया मेरे पास, वन हो गया। तो वन माइनस ये वाई स्केयर प्लस का इधर ले आओ, इधर आ गया टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन इंटू किसकी वैल्यू चाहिए, साइन इंटू कॉस की चाहिए ना। अगर देखो अगर तो हम ये सम कर रहे हैं तो साइन टू कॉस की वैल्यू चाहिए, टू इधर डिवाइड कर देंगे, और अगर ये वाला सम आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको साइन टू एक्स लिख देंगे। दोनों सम सेम ही है ना, यहाँ पर साइन इंटू कॉस है, यहाँ साइन टू एक्स है, तो यहाँ पर टू इंटू साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स बन रहा है, तो साइन टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर हमें चाहिए साइन टू कॉस की वैल्यू, तो क्या आएगी, वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू, इधर कितना आ गया साइन एक्स इंटू आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर बाय टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इंटीग्रेशन, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन चला गया तो क्या बना, डी वाई नीचे वन ओवर, अच्छा अंडर रूट साइन इंटू कॉस क्या है मेरे पास, अंडर रूट वन माइनस वाई स्केयर बाय टू, ठीक है। अच्छा रूट में फ्रैक्शन और ऊपर भी रूट आ जाएगा, नीचे भी टू का रूट आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वन बाय अंडर रूट वन माइनस वाई स्केयर बाय रूट टू डी वाई, ये रूट डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो वन माइनस वाई स्केयर, ऊपर भी रूट आ गया नीचे भी रूट आ गया, जो रूट टू नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो सिर्फ ये रूट टू ना आता, बाकी सारा सेम होता, क्योंकि साइन टू एक्स की वैल्यू कितनी आती, वन माइनस, ठीक है, इतना फर्क है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, वन बाय वन माइनस वाई स्केयर, यानी कि वन स्केयर माइनस वेरिएबल एक्स की जगह वाई लिखा है, तो क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाई बाय वन प्लस सी, तो ये रूट टू साइन इनवर्स वाई की वैल्यू है किसके इक्वल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर है। चलिए नोट कर लो आप, टैन और कॉट के क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए तो सबसे पहला गोल्डन रूल कौन सा काम करता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर टैन और कॉट है कुछ समझ ना आए तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मैंने लिखा रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, ठीक है, प्लस रूट कॉस एक्स ओवर रूट साइन एक्स, ठीक है, यहाँ बाहर डी एक्स। अब ये जो मेरे पास नीचे आया रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स है ना, तो ये क्या मेरे पास बना, रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, एल्स लेंगे जो,
तो ये इसके साथ ये रूट कट गया, रूट साइन ऊपर मटले होगा। देखो एलसीएम लेंगे, रूट कॉस कट जाएगा, रूट साइन इंटू रूट साइन कितना होगा, अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस रूट साइन कट जाएगा, मतलब कट जाएगा तो रूट कॉस ऊपर मटले होगा कितना आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे कितना आ गया मेरे पास रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कहीं किया हुआ देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, थोड़ी सी मिनटों पहली घटना है ना ये हुई थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, याद रखना है कि साइन और कॉस प्लस हो रहे हैं, साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करोगे आप, साइन माइनस कॉस को पुट करोगे, वाई डेरिवेटिव करो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आगे आप अपने आप सॉल्व कर लो, सेम क्वेश्चन है सेम आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है, सिर्फ यहाँ सोचने की बात थी और साफ साफ करना है। ठीक है, चलो नोट करो आप। हाँ जी, हो गया, पीछे समय लगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एफ, नीचे क्या है अंडर रूट साइन टू एक्स। अगर साइन और कॉस प्लस हो रहे हैं यहाँ पर तो पुट किसको करोगे, साइन माइनस कॉस को, अगर माइनस हो रहे हैं तो किसको पुट करोगे, प्लस को पुट करोगे। तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, है ना। अब बना तो है नहीं, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस है, ये कॉस एक्स माइनस साइन बन गया, माइनस कॉमन निकाल देंगे, वेरी गुड। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये नेगेटिव है इधर चला जाएगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लो। अब ये पूरी चीज़ के बन गई मेरे पास डी वाई। ठीक है, मैंने पहले बताया साइन और कॉस प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई चाहिए, साइन इंटू कॉस या साइन टू एक्स चाहिए, तो क्या करोगे आप स्केयरिंग बोथ साइड कर दोगे। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो ये तो वन बन गया, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया वन माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये माइनस का टू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये बन जाएगा साइन टू एक्स, वन माइनस वाई स्केयर माइनस साइन टू एक्स। अब ये माइनस इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा, ये कट गया, तो साइन टू एक्स की जगह के लिख देंगे हम यहाँ पर वाई स्केयर माइनस वन की इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर रूट वाई स्केयर माइनस वन। अब इसकी इंटीग्रेशन लगा दो, ये टाइप है मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, अगर 1 बाय डिनोमिनेटर ऊपर 1 है नीचे क्या हो, या तो साइन स्केयर कॉस के दोनों हो, या अकेला कॉस स्केयर हो या अकेला साइन स्केयर हो। ये कौन सी टाइप है, एक ऐसी टाइप जिसके डिनोमिनेटर में या तो साइन स्केयर कॉस के दोनों हैं या दोनों में से कोई एक एक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया 1 बाय 4 साइन स्केयर एक्स प्लस 5 कॉस स्केयर एक्स, इसकी वैल्यू 1 तो नहीं होगी, 1 बाय 4 साइन स्केयर एक्स प्लस 5 कॉस स्केयर एक्स इसकी वैल्यू 1 तो नहीं होगी, क्योंकि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, पर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब 1 बाय 4 साइन स्केयर एक्स प्लस 5 कॉस स्केयर एक्स, इसमें साइन स्केयर भी है और कॉस स्केयर भी है, ऐसे क्वेश्चन में आपने याद रखना है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपने डिवाइड कर देना है कॉस स्केयर से, किससे डिवाइड कर देना है, जब कॉस स्केयर से डिवाइड तो ये 1 बाय कॉस स्केयर नीचे 4 साइन स्केयर डिवाइड बाय कॉस स्केयर प्लस 5 कॉस स्केयर डिवाइड बाय। तो क्या किया मैंने, ये याद रखना है जब भी आपके पास साइन स्केयर और कॉस स्केयर दोनों हो तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देना है कॉस स्केयर से। 1 बाय कॉस स्केयर क्या होगा, ऊपर आ गया सेकंड स्केयर एक्स, नीचे 4 साइन स्केयर बाय टेन स्केयर एक्स प्लस 5। अब ये देखा देखा क्वेश्चन लग रहा है, पहले भी समझाया था अगर डी एक्स के साथ क्या है सेकंड स्केयर एक्स है, डी एक्स के साथ सेकंड स्केयर एक्स है, सेकंड स्केयर किसका डेरिवेटिव होता है टेन का।
अगर किसी क्वेश्चन में dx के साथ secant square है और क्वेश्चन में ढूंढो tan मिल रहा है, मिल गया, किसको पुट करोगे, tan x को, तो पुट करोगे आप tan x को पुट करोगे y, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो tan का डेरिवेटिव कितना होगा, secant square x dx is equal to dy, तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, यहाँ पर आ गई मेरे पास dy, यहाँ आ गई 1 ओवर 4y square plus 5। अच्छा ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/4y² + 5, ये रिवीजन भी हो रही है क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन 1/x² + a² क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan inverse x/a, ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला लगाने की एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि जो कोफिशियंट ऑफ x है या y है उसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए, यहाँ कितना कोफिशियंट है, 4 कॉमन निकाल देंगे, y square by 5/4 dy 1/4 y square। अच्छा 5/4 को कैसे लिखोगे, 5 को स्केयर नहीं रख सकते, रूट 5, 4 की जगह 2 लिख दोगे, होल स्केयर, तो ये 1/y² + a² यानी 1/x² + a² क्या होगा, 1/a, यानी ये मेरे पास हो गया 1/4, ये कितना है, रूट 5/2 tan इनवर्स y डिवाइड बाय रूट 5/2 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/2 रूट 5 tan इनवर्स 2/√5, y की वैल्यू कितनी है, tan x को पुट किया तो यहाँ पर tan x आ गया प्लस c, ठीक है। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर साइन स्केयर कॉस स्केयर दोनों हो, या कॉस स्केयर हो या तो साइन स्केयर हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्केयर से, आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन बन, ठीक है कर लो नोट। और एक बहुत जरूरी बात जो पहले ही बताई आपको कि प्रेजेंटेशन पर आपने क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, कि लिखा कैसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + sin² x dx, ठीक है, 1/2 + sin² x कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में साइंस केयर है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय न्यूमिनेटर को कॉस केयर से डिवाइड कर, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो क्या आएगा 1/cos² x 2/cos² x प्लस sin² / cos². अच्छा 1/cos² क्या होगा, secant² x, अच्छा 2/cos² 2 secant² x प्लस sin² / cos² कितना होगा, अच्छा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अब dx के साथ क्या है, secant² तो डेफिनेटली हमने किसको पुट करना है, tan को, dx के साथ secant² है ना तो tan को पुट करना है, tan भी हमारे पास, ये एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है, secant² एक्स्ट्रा है ना, अगर यहाँ पर ही अगर आप tan को पुट करते हो तो यहाँ तो y² आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये secant² फंस जाएगा, ये वाला secant² फंस जाएगा, क्योंकि आपने tan को पुट करना है, tan का डेरिवेटिव secant², तो बात तो बन जाएगी, प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, ये secant² की, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, पहले इस secant² को ख़त्म करो, कैसे किया जाए, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, secant² x 2 1 + tan² x, तो ये बन गया secant² x डिवाइड बाय 2 + 2 tan² x प्लस tan² x, इंटीग्रेशन कितनी आ गई, secant² x डिवाइड बाय 2 + 3 tan² x, ये क्वेश्चन खुद कर सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले किया ना, ऊपर secant² नीचे 2 + 3 tan², tan को क्या पुट करोगे, tan² x है ना, tan x को y पुट करोगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर secant², तो वही फॉर्मूला a² + x² फॉर्म बन जाएगा, हो जाएगा ऐसे ही, अगर वहाँ पर 2 + cos² होता तो वो भी सेम मेथड से हो जाता, ठीक है, फिर ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ √a - x a + x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कोई आइडिया किसी के पास, √ रेशनलाइज करके देख ले, है ना, तो ये क्या आएगा मेरे पास, a - x a + x, तो
तो ये a माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए करते हैं, डिनोमिनेटर का जो प्लस का साइन यहाँ पर चेंज करते हैं, माइनस माइनस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, तो क्या आएगा मेरे पास a माइनस एक्स का नीचे a प्लस बी, a माइनस बी कितना होगा ए स्केयर माइनस, अच्छा a माइनस एक्स का होल स्केयर, स्केयर रूट डाला हुआ है तो क्या बन जाएगा ये a माइनस एक्स, नीचे मेरे पास कितना आएगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, नीचे a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, दोनों सेम होल स्केयर आ गया, नीचे कितना है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ऊपर का स्केयर रूट कट गया, a माइनस एक्स का होल स्केयर रूट कट गया, कितना आ गया मेरे पास a माइनस एक्स, नीचे रूट ए स्केयर माइनस। अब ये नीचे जो टर्म है वो क्या है, ए स्केयर माइनस एक्स, अलग अलग कर सकते हैं इस टर्म को, मैं अलग अलग कर सकता हूँ, क्या आएगा a बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स माइनस एक्स बाय डिवाइड बाय रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। अब यहाँ से a बाहर निकालो, वन बाय रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, और यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी मैं शायद करा चुका हूँ, x डिवाइड बाय रूट ए स्केयर माइनस, लॉग नहीं आएगा क्योंकि रूट है ना, पावर है, ये हाफ पावर ऊपर जाएगी क्या होगी, मैं इसको लिखता हूँ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस हाफ, इसके ऊपर पावर है ना तो हाफ पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन पावर। ये जो x है साथ में मैंने लिख दिया x, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव करो कितना होगा, ए स्केयर का डेरिवेटिव जीरो, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, तो ये माइनस भी देखो पूरा डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू एक्स, तो माइनस टू से तो माइनस टू अंदर दिख रहे हैं तो माइनस का टू, ठीक है ध्यान से समझना ये वाला स्टेप समझने वाला है, एक्स बाय रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर था तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ऊपर लेकर क्या हो जाएगी पावर इसकी माइनस की हाफ, तो ये साथ में एक्स था, अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव क्या आएगा ए स्केयर का जीरो, माइनस एक्स स्केयर कितना आएगा माइनस टू एक्स, तो माइनस टू अंदर जाइए माइनस टू हमें बाहर जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फंक्शन की पावर एन साथ में उसका, ये अपना फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला होता है फंक्शन की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला क्या है पहले वाला इंटीग्रेशन ए स्केयर एक्स स्केयर साइन इनवर्स वाला, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है क्लियर है। और ये माइनस में प्लस वन बाय टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस वन बाय टू प्लस वन, नीचे माइनस बाय टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है इसको लिख देंगे माइनस वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू, नीचे भी कितना आ जाएगा वन बाय टू, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा ये टू से टू कट गया ये आ जाएगा वन बाय टू, ठीक है लग गया समझ क्वेश्चन, कर लो नोट।